हेलो एवरीवन एंड अयोध्या की पावन नगरी में हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, यहाँ का अकोमोडेशन, फूड एंड यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पे लाइक ईच एंड एवरी पार्ट एंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं ऑफ वेरी लोएस्ट कॉस्ट एंड सारी ही चीज़ें, और गवर्नमेंट के थ्रू से जो इनिशिएटिव लिया गया है अरुंधति, तो उसके बारे में भी हम पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। क्या प्राइजेस में रूम्स अवेलेबल है? ओके, दिस इज हाउ द डॉर्मेट्री लुक्स लाइक। डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं गाइस, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। अरुंधति इज़ अ कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपको फूड, डॉर्मेट्री एंड हॉस्पिटेबिलिटी एंड इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट दिस प्लेस ऑफर्स एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो मुझे डॉर्मेट्री की ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि में यहाँ की इनॉग्रेशन के लिए आई हूँ। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर स्टे करना है, तो आई विल सी कि यहाँ पे डॉर्मेट्री कैसी है, हाउ द डॉर्मेट्री लुक्स लाइक। एंड क्योंकि मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ हूँ तो मुझे तो ऑफ कोर्स डॉर्मेट्री की ही ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ एट ऑल आई विल कम विथ माय पेरेंट्स तो मैं आई विल गो फॉर यू नो होटल एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये तो डॉर्मेट्री बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोवाइड करती है जहाँ तक मैंने सुना है। सो आई विल शो यू एंड चलिए देखते हैं कि यहाँ की डॉर्मेट्री कैसी है। और यू नो अभी अयोध्या नगरी, मुझे तो नहीं लगती कि अयोध्या नगरी अब एक गांव है, अब वो एक कम्प्लीटली सिटी में कन्वर्ट हो रही है। आप ये फ्लाईओवर देख सकते हो, तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है और इस प्लेस जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, इस प्लेस का नाम है गुरु वशिष्ठ चौक। तो ये गुरु वशिष्ठ चौक, जब आप स्टेशन से उतरते हो, चाहे आप एयरपोर्ट से उतरे चाहे आप रेलवे स्टेशन से उतरे, उसके बाद आपको गुरु वशिष्ठ चौक आना है अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं, तो अगर आपको डॉर्मेट्री फैसिलिटी चाहिए तो मैं फ़िलहाल डॉर्मेट्री की चीज़ें बताने वाली हूँ। तो ये बेसिकली गुरु वशिष्ठ चौक में है एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं बताती हूँ। ये बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, शॉप्स अभी खुले नहीं हैं। तो अभी तो फिलहाल जब मैं यहाँ पे हूँ 21 जनवरी 2024 को, क्योंकि अभी 22nd कल ही इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, मुझे एक्चुअली इनॉग्रेशन को ही कवर करना था। सो आई एम जस्ट हियर जस्ट अ डे बिफोर दिस प्लेस। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे पार्किंग एरिया, पार्किंग स्पॉट्स हैं, मतलब आप अगर गाड़ी से आओ तो गाड़ी रखने के लिए, प्लस यहाँ पे फूड कोर्ट है। सो यू नो यहाँ पे व्हेनेवर यू नो फैंसी काइंड ऑफ फूड कोर्ट्स, फूड्स आर आल्सो अवेलेबल, रेस्टोरेंट्स हैं एंड डॉर्मेट्री बेसिकली। तो बेसिकली डॉर्मेट्री इज़ द प्लेस जहाँ पे आप डॉर्म रूम लाइक यू नो ऑस्पिशियस प्लेसेस में रहते हो। इट्स अ काइंड ऑफ क्यूब एंड क्लब लाइक स्ट्रक्चर, सो आई विल जस्ट शो यू दैट डायरेक्टली। तो लेट्स सी कि व्हाट दैट प्लेस हैज़। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं। तो पहले आप यहाँ से जाएंगे, गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट विल टेक द लिफ्ट, क्योंकि अभी हमारे जो डॉर्मेट्री है वो सेकेंड फ्लोर में है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। अभी हम इस लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर में जाएंगे जहाँ पे डॉर्मेट्री लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड कोर्ट एंड डॉर्मेट्री लिखी हुई है। तो आप नीचे का प्रेस मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स, चलिए अब हम आ गए हैं। सो नाउ आई विल शो यू दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अरुंधति, जो कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। आई विल शो यू कि ये कितना ब्यूटिफुली एंड बहुत ही ज़्यादा
यू नो ग्रीन से इंस्पायर्ड हैं एंड इन लोगों ने बहुत सारे ये रियल फ्लावर्स भी है. दीज मैरीगोल्ड्स आर रियल बट दीज आर यू नो फैंसी फ्लावर्स. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इन लोगों ने बनाया है एंड आई विल शो यू दैट. सो नाउ आई विल शो यू दिस यू नो अपोजिट टू दिस कॉम्प्लेक्स. तो ये भी अरुंधति की ही है बट यू नो जिन लोगों ने लिया है दो पीपल आर डिफरेंट बट ये दोनों ही गवर्नमेंट की प्लेस है. और मैं आपको ये जो पूरा ऑस्पिशियस प्लेस है ये पूरा डिफरेंट पूरा एरिया मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पे एक तो ये सेकेंड फ्लोर में भी डॉर्मेट्री अवेलेबल है और इसके ऊपर भी है. सो आई विल शो यू बोथ ऑफ देम. एंड फूड कोर्ट का जो पार्ट है वो एक्चुअली फर्स्ट लाइक सबसे जो टॉप फ्लोर में है. सो आई विल शो यू दैट एज वेल. तो पहले आप हम कहाँ जाए बताइए. सो टेल मी कि हम पहले कहाँ जाए. अभी यहाँ का व्यू इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुल गाइस. सबसे पहली बात तो और ये तो सेकेंड फ्लोर है. अभी हम थर्ड फ्लोर का भी व्यू देखने वाले हैं. सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल. तो पहली चीज़ तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. जय श्री राम एंड जो फोटो बनाई गई है मैं जिस प्लेस में हूँ ये भी एग्जैक्टली वैसा ही उसका रेप्लिका है. वैसा ही सेम स्ट्रक्चर है. और इसी के साथ अभी हम डॉर्मेट्री की जो ऑस्पिशियस प्लेस है वो अभी हम देखेंगे. तो हम अभी रिसेप्शन से स्टार्ट करते हैं. तो रिसेप्शन में जाते हैं एंड आई विल आस्क यू कि यहाँ पे क्या प्राइजेज में रूम्स अवेलेबल है. ओके तो सर बताइए डॉर्मेट्री की जो रूम्स है वो किस प्राइजेस से स्टार्ट होंगी. 600 प्लस GST. तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे जो डॉर्मेट्री की जो बेड्स अवेलेबल है. तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की ही है. तो आप लोगों को यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एंड आई विल शो यू द प्लेस एग्जैक्टली. तो यहाँ पे एंड इनफैक्ट वाईफाई के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप. व्हाट अबाउट द वाईफाई सर. वाईफाई अवेलेबिलिटी है. सो दैट इज़ द मेन पार्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बेसिकली यहाँ पे जब मैं आई. सो आई वॉज जस्ट फेसिंग फॉर द वाईफाई प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल आश्रम्स हैं वहाँ पे मैंने पूछा तो वाईफाई अवेलेबल नहीं थे. बट यहाँ पे अगर आप आते हो प्रॉब्लम मैंने फेस किए तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है. तो आप वाईफाई भी वगैरह यू नो इट्स कम्प्लीटली. और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दीज आर द वेटिंग पार्ट्स. तो अगर आप वेटिंग करना चाहते हो लेकिन अगर आपकी जो चेक इन होने में अगर आप टाइम है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं. सी वो जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ इनक्रेडिबल. राम मंदिर की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इन लोगों ने वहाँ पे बनाई है. सो आई विल शो यू दैट टू. ये बहुत ही ब्यूटिफुल चीज़ है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा देखिए आप वुडन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बनाया है. तो गाइस अभी मैं आपको वो डॉर्मेट्री की वो जो बेड्स है आई एम जस्ट गोना शो यू दैट. सो पहले तो हम ये बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो फ्लावर्स है दीज लुक सो क्लासी एंड यू नो बहुत ही अच्छा एक वाइब देते हैं आपको. एंड आई विल शो यू कि अभी मैं वो जो डॉर्मेट्री में स्टे करने वाली हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई जर्नी. सो दिस इज़ दैट प्लेस. तो अभी मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ. सो दिस इज़ हाउ. सो गाइज दिस इज़ हाउ द डॉर्मेट्री लुक्स लाइक. सो व्हेनेवर आई ट्रैवल एनी वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्लेस आई स्टे इन दिस काइंड ऑफ अकोमोडेशंस. तो जहाँ पे यू नो दिस इज़ हाउ योर बेड लुक्स लाइक. So I'm gonna be staying here for the rest of my journey. So you know जब भी आप whenever you travel with your friends तो आपको भी ऐसे places अच्छे लगते होंगे. और अगर आप अपने family वाले के साथ में भी आते हो तो भी this is a really very beautiful accommodation जो कि आपको 600 plus GST में इतने कम price में आपको ये available है. and ये government के site के साथ government के through approved है तो कोई issue भी नहीं है. so this is how I'm gonna stay here.
एंड लगेजेस के लिए वहाँ पे वो आप देख सकते हो, आप वहाँ पे लॉक कर सकते हो अगर आप, दैट्स द लगेज की, तो उन ड्रॉर्स में आप लाइक नॉर्मली स्टे कर सकते हो. सो आई कम विथ माई, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी गाइज, आई कम विथ माई ट्री टीम. तो मेरे जो टीम मेम्बर्स होते हैं तो दे ऑल्सो नीड देयर ओन स्पेस. तो ये तो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अगर आपके साथ मेल मेंबर है तो उनके लिए अलग मतलब वो वे होगा. सो इट्स अ फीमेल वन, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो फीमेल है वो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है. इनफैक्ट इसका अंडर, इट इज़ आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसके काम अभी भी चल रही है. तो डॉर्मेट्री में ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आप, दिस इज़ फॉर गर्ल्स आई गेस, गर्ल्स के लिए है. एंड इनफैक्ट अगर आपके पास मेल मेंबर्स भी हैं तो उनके लिए भी डिफरेंट है. और अगर आप लोग साथ में भी रहना चाहते हो, ऐसा कुछ है जहाँ पे साथ में रह सकते हैं लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़, ऐसा नहीं है. तो हाँ, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो डैट कुड बी अ डिफरेंट डिसीजन अगर आपको होटल लेना है. बट इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फ्रेंड्स तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है. फीमेल कैन फील सेफ. तो जब भी मैं भी जैसे यहाँ पे हूँ, आई एम कम्प्लीटली सेफ इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है. एंड यू सॉ दिस एरिया. तो चलिए अब हम इसका यू नो ऊपर वाला जो रूम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो चलिए अब हम वहाँ पर जाएंगे. तो ये बहुत सारे, ये कितने रूम्स है, कितने बेड्स है यहाँ पे? 300 बेड्स. ओके, तो गाइज यहाँ पे 300 बेड्स हैं. 300 एंड प्लस हो गए 322. ओके, 322 ये जो बेड आप देख रहे हो, एक दो ऐसे 322 है. तो इसी के साथ अभी हम ऊपर का जो फ्लोर है वो देखेंगे और यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखेंगे. अभी मैं आपको ऊपर का जो टॉप व्यू है वो भी देने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा फील, एक अच्छी वाइब आएगी. तो यहाँ पे डाइनिंग है और ये वाला, अच्छा वेडिंग के लिए ये. ओके ओके ओके, गॉट इट. तो यहाँ पे आप वेडिंग रिसेप्शंस वगैरह भी अगर आप कराना चाहते हैं, अगर आप अयोध्या की पावन नगरी में अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली ये भी प्रोवाइड करते हैं गाइस. तो यहाँ पे आप अपने सारे रिसेप्शंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ये कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द डाइनिंग पार्ट. तो अभी हम जाएंगे, फूड कोर्ट भी है यहाँ पर. सो लेट्स सी. So guys, see, this is how this area looks like, and this is the reception of the food court, I guess. तो यहाँ पे food court अभी supply start हो गई है. तो क्या क्या यहाँ पे dishes हैं, बहुत सारे like Indian हैं और क्या क्या होंगे? Continental है. Indian, Chinese, Continental. Yes ma'am. South Indian भी है. Okay. Sikhs and Hindus भी हैं. तो जैसा गाइज इन्होंने बताया, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मतलब ऑल, मतलब आपको सभी कुछ मिलेगा. तो यू जस्ट डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज कि हाँ अभी हम यहाँ पे आए हैं. सो दीज आर द डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं गाइज, सी दिस इज सो ब्यूटिफुल. ओ माई गॉड, डिड यू लाइक इट? सो गाइज, दिस इज़ हाउ. तो आप कोई भी अपना डाइनिंग चूज़ कीजिए एंड यू नो यू कैन इन्जॉय हियर. एंड दिस इज़ रियली इंसेनली ब्यूटिफुल व्हाट आई कैन एक्चुअली यू नो फील, कि ये तो मैंने एक्चुअली अयोध्या में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा डेवलप यू नो कर रहे हैं एंड हो चुका है आई थिंक. तो बहुत ही अच्छा है, इट्स लुकिंग सो फैंसी. और यहाँ पे आप अपना जो भी मील है वो इन्जॉय कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द पार्ट एक्चुअली, वहाँ से आप ऑर्डर कीजिए, अपना जो भी मील है वो आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं. सो अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि अरुंधति इज़ अ रियली नाइस, रियली ग्रेट, इनोवेटिव एंड मूव, और बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है. So I appreciate this. तो अभी इसके साथ हम टॉप व्यू में जाएंगे, we'll see that as well.
So this is how. Hello. So यहाँ पे आप क्या क्या चीजें you provide? मॉकटेल शेक्स हॉट कॉफीज एंड जो भी चीजें वॉट एवर यू वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. और लाइक फूड में क्या क्या ऐसी स्पेशलिटी क्या क्या है यहाँ की, क्या क्या रहेंगी मतलब आप बताइए. आई थिंक सब कुछ सात्विक होगी यहाँ पे. वी हैव चाइनीज, कॉन्टी, साउथ इंडियन, स्पेशल थालीज, स्टार्टर्स, मेन कोर्स. वी हैव ऑल द थिंग्स. वी ओनली वेज एंड नॉन ऑल्कोहलिक. तो गाइस ये बहुत यहाँ पे मेन्यू अगर इफ यू कैन शो अस. ओके सो दीज आर द मेन्यूज एक्चुअली. तो ये यहाँ का मेन्यू रहेगा, आप ये देख सकते हैं. सो एंड द प्राइजेस आर सो सरप्राइजिंग कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. सी स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके आपको रियली नाइस. एंड चलिए तो इसी के साथ अभी हम यहाँ का टॉप व्यू भी देखेंगे. तो कहाँ से जाना है हमें? ओके दैट वे. तो चलिए अभी हम इसका टॉप व्यू भी देखने वाले हैं गाइस. के साथ नाउ आई एम गोना शो यू यहाँ का टॉप व्यू एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बिकॉज यू नो यहाँ के हवा में ही एक जादू है. एंड मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो दिस इज़ वॉट एक्चुअली द प्लेस इज कि यहाँ पे आप अपने बर्थडे एंड कोई भी इवेंट यहाँ पे भी कर सकते हो टॉप में भी. एंड दैट्स द यू नो सिटिंग. बहुत ही अच्छा एक शटल स्पेस बनाया गया है इन लोगों ने. एंड ये यहाँ से कंप्लीट जो अरुंधति फूड हॉस्पिटलिटी एंड सर्विसेज ये यहाँ से कंप्लीट अरुंधति की फूड एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज ये पूरा यहाँ से दिख रहा है. एंड यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट व्यू भी दिखेगा. तो चलिए